हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम। मैं हूं अमित महावर, कार्स डॉग पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और नई कार, एक कार और काम करने के लिए। ये है सियाज डीजल, सियाज मीडिया ही है। तो मैं अभी बस वो गाड़ी पिक करने आया हूं, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूं। इस गाड़ी में कस्टमर को कल से जो है गियर चेंज का इशू आ रहा है, गियर चेंज नहीं हो पा रहे हैं, गियर चेंज करते हुए स्टक हो जाता है। तो ये इशू कब आता है? ये इशू दो रीज़न से आता है, या तो आपकी गाड़ी कहीं नीचे से हीट हुई हो, गियर ऑयल निकल गया हो, तो गियर टाइट डलने का चांसेस रहता है, क्योंकि लीवर्स में इसके जो गियर्स होते हैं उसके अंदर रिंग्स में ऑयल नहीं जाता तो वो हार्ड हो जाते हैं। दूसरा रीज़न होता है इसका क्लच, अगर क्लच इसका डाउन हो रहा होगा तो ही ये प्रॉब्लम आएगा, आपका बैक गियर या फिर सेकंड गियर या फिफ्थ गियर अटकेगा उसमें, शिफ्ट करते हुए अक्सर ये इशू रहता है। तो ये गाड़ी अभी अप्रॉक्स 1,40,000 किलोमीटर चली है। वैसे तो स्विफ्ट के जैसा ही इसमें इंजन है, स्विफ्ट का क्लच 1,25,000 किलोमीटर पे ओवरऑल हो जाता है, और सियाज अगर 1,40 चली है तो बहुत अच्छी चल गई है। तो आज तो फ्रेंड्स चाबी मिल गई है हमें, चाबी ले आए हैं हम, और चलिए मैं आपको अंदर से कार दिखाता हूँ। तो दोस्तों, एक तो इस गाड़ी में हम लोग रबिंग का वर्क करेंगे, कस्टमर ने रबिंग के लिए बोला है। गाड़ी का जो आउटर सरफेस है वो काफ़ी डर्टी है, काफ़ी ऑयल डस्ट इस गाड़ी पे चिपका हुआ है, तो हम लोग इसकी गाड़ी की रबिंग करेंगे एक तो, जिसके बाद इसकी शाइनिंग कुछ वापस आएगी। देखिए दोस्तों, गाड़ी में रबिंग बहुत ज़रूरी है, गाड़ी में आप ज़रूरी है 6 से 7 महीने में एक बार कार की रबिंग हो जाए तो कार की शाइनिंग बरकरार रहती है। जैसे आप कभी रेड लाइट्स पे खड़े होते हैं, आपके साथ में कोई बड़ा व्हीकल हो डीजल वाला, या और आप ट्रैफिक में फंसे हों, तो अदर कार्स की जो ऑयल डस्ट होती है, जो पोल्यूशन होता है, वो आके आपके कार पे चिपक जाता है। सेम आपकी कार के साथ भी ऐसा होता है, आपकी कार का निकला हुआ दूसरों की कारों पर चिपकता है, तो उसकी वजह से कार का ओरिजिनल कलर बहुत जल्दी ही डल हो जाता है। कुछ रीज़न होता है धूप में गाड़ी खड़ी होने से, कुछ रीज़न होता है जैसे लोग पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो पेड़ों से गिरता रेशा जो है या लिक्विड जो है वो भी कलर को काफ़ी हल्का कर देता है। तो इसके लिए रबिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज़रूरी है, आप साल में कम से कम एक बार तो रबिंग कराएं गाड़ी। तो चलिए दोस्तों, एक बार कार को स्टार्ट करके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या इश्यूज है इसमें। जैसा कि कस्टमर बता रहे हैं कि इसमें गियर्स का इशू आ रहा है, बैक गियर नहीं लग रहा है, और फिफ्थ गियर और सेकेंड गियर जो मेरे इशूज इसमें नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग चेक करते हैं पहले कि सबसे पहले गियर ठीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग थोड़ी सी लॉन्ग है, जैसा कि पहले गाड़ियों में होता था, न्यू कार रहेगी तो हाफ सेल्फ स्टार्ट होगी, बट अभी डीजल की इसकी काफी लॉन्ग स्टार्टिंग है क्योंकि तो गाड़ी काफी चल चुकी है। तो चलिए पहले गियर का देखते हैं। ये देखिए, मैं जैसे रिवर्स गियर डाल रहा हूँ गाड़ी में, रिवर्स गियर नहीं डाल रहा है, गाड़ी आगे जा रही है। ये देखिए, मैंने रिवर्स गियर डाला, कार बजाय पीछे जाने के आगे जा रही है। तो एक तो ये इश्यू आ रहा है, रिवर्स गियर बिल्कुल नहीं डाल रहा है इसका। दोस्तों इस कार में रिवर्स गियर नहीं लग रहा है, तो हम लोग गाड़ी को पहले ऑफ करके आगे से चेक करेंगे, गियर लेवर वायर का तो कोई इशू नहीं है, उसके बाद हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को गाड़ी बैक करनी है, बैक करने का यहाँ इशू आ रहा है, गाड़ी बैक नहीं हो पाई। तो दोस्तों गाड़ी में बैक गियर नहीं लगा बिल्कुल भी, तो हमने गाड़ी को पुश करके बैक गियर डाला है, उसके बाद हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। तो अभी बस वर्कशॉप ले जाके इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या इशूज है। दोस्तों मैंने अभी ये गाड़ी 2 से 2.5 किलोमीटर चलाई है, और 2 से 2.5 किलोमीटर चलाने के बीच में मुझे एक चीज़ कॉमन लगी है कि जितनी बार मैं गियर शिफ्ट करता हूँ, या मैं पहले गियर में करके गाड़ी स्टार्ट करता हूँ या उठाता हूँ, तो गाड़ी में बहुत वाइब्रेशन है, गाड़ी में जैसे प्रेशर प्लेट इसकी स्लिप हो रही हो ऐसा महसूस होता है। सबसे पहले इसमें यही चेक किया जाएगा कि गियर लिवर वायर का कोई इशू तो नहीं है। पहले हम लोग गियर लिवर वायर चेक कर लेते हैं कि वायर कहीं से कोई कटी तो नहीं है, कभी उसकी वजह से कोई इशू,
बट कल को हम लोग क्लच चेंज करें और बाद में पता चले कि सेम कंडीशन है, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। सबसे पहले हम लोग वायर ही चेक करेंगे इसका। तो चलिए वर्कशॉप पे चल के आपसे मिलते हैं। फिर गाड़ी में जो है क्लच और क्लच बैरिंग जो है वो हाइड्रोलिक होता है, तो हाइड्रोलिक क्लच होने की वजह से गाड़ी की पिकअप में कोई खास फर्क नहीं आता। गाड़ी क्लच जाने के बाद भी चलती रहती है क्योंकि हाइड्रोलिक सिलेंडर है तो इसको काफ़ी पुश करता रहता है। में गाड़ी है आपको धोखा नहीं देगी अगर आप ध्यान देंगे कि गाड़ी में प्रेशर नहीं उठ रहा है या गाड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा कर रही है, और गाड़ी की एवरेज कम होना भी इस बात का रीज़न हो सकता है कि क्लच इसका डाउन हो रहा है। अगर गाड़ी 1,00,000 प्लस चल चुकी है आपकी तो 99% चांसेस होते हैं क्लच डाउन होने के, जिसकी वजह से एवरेज भी डाउन होती है और आपको चलाने में भी इशू आएगा, वो पिकअप नहीं मिलेगा जो जनरल पहले होता है गाड़ी में। चलिए दोस्तों वर्कशॉप पे आ गए हैं अब हम। दोस्तों हम लोग वर्कशॉप पे आ चुके हैं, लड़के हमारे बिजी हैं, अभी I-20 में कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क है ये लोग, तो चलिए अभी इसमें हम लोग चेक करेंगे। गाड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर देखते हैं इसमें क्या इशू है, क्लच का इशू है या गियर और वायर का इशू है, उसके अलावा इसकी रबिंग ड्राइकलीन होगी गाड़ी की। यहाँ हम लोग गाड़ी में बार बार रिवर्स गियर डाल के चेक कर रहे हैं, बट जितनी बार हम लोग रिवर्स गियर डाल के एक्सीलेटर पैडल पर दबाते हैं तो गाड़ी आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है, रिवर्स नहीं जा रही है। दोस्तों गाड़ी में कूलेंट भी नहीं था तो हमने 1 लीटर कूलेंट यहाँ टॉप अप किया है। दोस्तों गाड़ी में गियर लीवर वायर का इशू आया था तो वायर की हम लोगों ने किट डाल दिया, उसके बाद गाड़ी का प्रेशर फर्स्ट क्लास चल रहा है, पिकअप ठीक है। अभी आपने देखा हमने गाड़ी 80-90 की स्पीड में प्रॉपर चला के देखी है, तो ना तो कोई वाइब्रेशन का इशू है ना ही गियर शिफ्टिंग में ब्लॉक का कोई इशू आ रहा है। तो चलिए अब इसके बाकी दो काम करा देते हैं, अब हम लोग इसकी ड्राइकिंग और रबिंग कराते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आया हूँ मारुति सुजुकी जर्मन पार्ट पे ऑटोजार जो कि द्वारका सेक्टर 23 में है। अभी हम लोग यहाँ से सियाज के रियर शोकर ले रहे हैं, सियाज के रियर शोकर भी ख़राब हैं, तो यहाँ से जेन्युइन स्पेयर पार्ट मिलता है। रियर शोकर सियाज हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसमें दो तरह के रखते हैं, एक तो प्रॉपर सियाज आता है और एक स्विफ्ट की फिटिंग आती है, तो हम लोग स्विफ्ट की फिटिंग ले रहे हैं, स्विफ्ट की फिटिंग उसमें चेंज करेंगे। सियाज के रियर शोकर चाहिए हमें, सियाज डीजल 2014 मॉडल है। दोनों चाहिए खाली रिफिल चाहिए, रिफिल हम लोग रिप्लेस करेंगे। क्या प्राइस है उसका? एक का 2330 सियाज का जी। और स्विफ्ट वाली जो फिटिंग है उसका, स्विफ्ट वाले का बताइए आप मुझे। स्विफ्ट का 1565 ठीक है, आप ये दे दीजिए मुझे 2 पीस। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने इसका गियर लीवर वर्क कर लिया है, हमने यहाँ गियर लीवर की किट चेंज की है, उसके अलावा हम लोग यहाँ रबिंग वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। फ्रेंड्स इसके रियर शोकर आ चुके हैं मारुति सुजुकी जर्मन पार्ट, ये 2 शोकर हैं रियर शोकर, ये वही सेम स्विफ्ट के शोकर हैं मारुति सुजुकी जर्मन। दोस्तों हमने गाड़ी को लिफ्ट पे लगा के चेक किए हैं, पीछे के दोनों शोकर इसके लीक थे, कस्टमर की कंप्लेंट थी कि जब वो ड्राइव करते हैं कहीं ब्रेकर पे या गड्ढे में पीछे से कटैक से साउंड आता है, अगर 2 से 3 सवारी होती है तो वो ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। हमने यहाँ चेक किया तो दोनों शोकर हमें लीक मिले, इसलिए हम चेंज कर दिए। इसके साथ ही गाड़ी में रबिंग वर्क रेगुलर हो रहा है, हमें काफ़ी साइड हो चुकी है इसकी, एक साइड ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। और यहाँ आप थोड़ा सा गाड़ी में शाइन देख सकते हैं, देखिए किस तरह से ऑयल डस्ट हटने के बाद गाड़ी में अलग ही शाइनिंग आ रही है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है।
साथ ही हमने डिक्री शिफ्ट को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ये है गाड़ी का पुराना शोकर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लीक है और इसमें प्रेशर भी बिल्कुल नहीं है। ये नया शोकर है, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं साइज में। देखिए लीक होने के बाद शोकर किस तरह से बैठ गया है और दूसरे शोकर में पूरा प्रेशर है। सारा काम होने के बाद हम लोगों ने गाड़ी अब वॉशिंग और वैक्यूम क्लीनिंग पर लगा दी है। यहाँ वैक्यूम प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद गाड़ी को हम लोग वॉशिंग पे रैंप पे लगाते हैं, जहाँ से गाड़ी को ऊपर से नीचे से अच्छे से वॉश किया जाता है। उसके अलावा गाड़ी में इंजन पे डीजल प्रेशर लगाया जाता है ताकि गाड़ी का इंजन अच्छी शाइन दे सके। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अच्छी वॉशिंग और रबिंग होने के बाद गाड़ी का जो नया लुक है किस तरह से नजर आता है। तो दोस्तों अब सारा काम होने के बाद ये गाड़ी डिलीवर होने की बारी आ गई है। अब हम इसको थोड़ी देर में डिलीवरी करने जाएंगे और वैक्यूम क्लीनिंग हो चुकी है, पॉलिशिंग हो चुकी है इसकी। गाड़ी में ऊपर की तरफ हमने सिर्फ रबिंग की है और अभी हमने पॉलिश नहीं लगाई है। तो चलिए अब हम गाड़ी डिलीवर करने चलते हैं।